वो मजीज को हैंड फीड करवाने के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो इस टॉपिक पे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक में मैं आपको आज जो है वो कंप्लीट गाइड दूंगा। कंप्लीट हर चीज जो है वो कंप्लीट आपको बताऊंगा, आपको फीड करवा के दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनको हैंड फीड करवाने के अलावा, ठीक है? मैंने सोचा कि जब मैं करवा ही रहा हूँ तो आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि काफी टाइम से ये इंजेक्शन मैंने ये छोटा इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास मजीद है, कोई बड़े पैरट्स नहीं है जो उनको ज्यादा चाहिए, ठीक है? 5 cc का इंजेक्शन है, तो 5 cc का इंजेक्शन आप ऐसा ले लें, ठीक है? ऊपर से आपने निडिल रिमूव कर देना है। निडिल रिमूव करने के बाद आपने करना यह है कि इसको निकालते और फीड करवाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये बच्चा आप देख सकते हैं, इसका मुंडा बिल्कुल खाली है, ठीक है? सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो ऐसे मैं तो इनको 2 दफा फीड करवा रहा हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। अगर सही तरीके से आप फीड करवा दे 2 दफा तो बहुत है इनके लिए, ठीक है ना? ये बच्चा है तकरीबन, होगा ये 15 दिन का, 15 से 16 दिन का इस तरीके से। चलो जो भी है खैर है, अभी आपने यहाँ से इस तरीके से फीड भर दी है इसमें, आपने थोड़ा हल्का हल्का पुश करना है इसको। ये देखिए खाना शुरू हो गया ये, ठीक है? हल्का हल्का आपने पुश करना है ताकि ये आराम आराम से फीड इसके अंदर चली जाए, ठीक है? और तो यहाँ पे इस तरीके से ये डाला मैंने हल्का हल्का, बिल्कुल